धीरंजी नारायण ने कहा कि अविनाश पांडे की संपत्ति की जांच ईडी एनआईए से करें। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हर सप्ताह झारखंड आते हैं और सूटकेस लेकर जाते हैं। विधायक कैश कांड के पीछे भी सत्ताधारी गठबंधन का हाथ है। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। भाजपा विधायक दल के सचेतक सह बोकारो के विधायक धीरंजी नारायण ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर बड़ा आरोप लगाया है। सोमवार को आजाद सिपाही से बातचीत में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हर सप्ताह झारखंड आते हैं और सूटकेस लेकर जाते हैं। उनकी संपत्ति की भी ईडी और एनआईए जांच करे क्योंकि वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विधायक कैश कांड के असली सूत्रधार भी अविनाश पांडे ही हैं। कांग्रेस के तीन विधायकों के पास से बरामद पैसा भी उनका ही है। धीरंजी नारायण ने मांग की कि जनवरी के बाद से अविनाश पांडे के सभी झारखंड दौरों की बारीकी से पड़ताल करने पर सारी बात स्पष्ट हो जाएंगी। भाजपा विधायक ने कहा कि विधायक कैश कांड के पीछे सत्ताधारी गठबंधन का ही हाथ है। उन्होंने कहा कि जिस तरह कांग्रेस के लोग असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्वा सरमा को इस प्रकरण में लपेट रहे हैं, वह पूरी तरह बेबुनियाद और हास्यास्पद है। सरमा ने तो कह दिया है कि झारखंड कांग्रेस के कई नेता उनके अच्छे दोस्त हैं और वे उसी रिश्ते से उनसे जुड़े हैं। सरमा खुद 2 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस में रहे हैं और इनकी कार्यशैली से अच्छी तरह परिचित हैं। उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी, राजेश कच्चप और नमन विक्सल कुनगाड़ी के साथ खेला हो गया है। खेला कांग्रेस ने ही किया है। इस पर से पर्दा तभी उठेगा जब केंद्रीय जांच एजेंसी इसकी जांच करेगी। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।